हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है, यहाँ पर यूके के जो इकोनॉमिक सेक्रेटरी हैं उन्होंने यहाँ पर कमिट किया है कि वो कंट्री के पीएम के अंडर, यहाँ पर उनकी देखरेख के अंडर, यहाँ पर कंट्री को एक नया क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंगली वो बनाना चाहते हैं कंट्री को कंट्री ऑफ चॉइस उनके लिए, जो कि क्रिप्टो में क्रिएट करना चाहते हैं कुछ, या ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्रिप्टो की स्पेस के ऊपर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया इनोवेशन करके कुछ लाना चाहते हैं, या कुछ बनाना चाहते हैं उसके ऊपर, या अपने बिजनेस को ही एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली वो इसके लिए यहाँ पर कार्यरत हैं। और वो कंट्री को यहाँ पर ऐसी एक चॉइस बनाना चाहते हैं सभी के लिए, सो दैट कि सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आकर कंपनी कंट्री में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें और कंट्री में यहाँ पर पैसा जो है वो लगे। तो इस बात से ये तो पता चलता है कि जो यूके है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पर जो क्रिप्टो है उसको फेवर जो है वो करने वाला है। अगली न्यूज की बात करें तो सैंडबॉक्स का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसको हैक किया गया। हैकर्स ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें करी। एक तो उन्होंने वहां पर जो कंपनी का जो यूआरएल था वेबसाइट का, उसको चेंज करके अपना यूआरएल दे दिया, और जैसे ही किसी ने उस यूआरएल के ऊपर क्लिक किया और वहां पर पहुंचा, तो वहां पर उन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई हम एक नया जो सीजन 4 जो रेफल का है वो लेकर आ रहे हैं, और आप अपना वॉलेट जो है वो यहाँ पर कनेक्ट करिए तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो कुछ एक लोग यहाँ पर, उन्होंने जो अपना वॉलेट एड्रेस था वो यहाँ पर शेयर कर दिया, जिसके चलते उनके जो एसेट्स थे वो चोरी हो गए। और वहीं दूसरा जो काम उन्होंने किया, उन्होंने ऐसे प्रोफाइल्स ढूंढे जिन्होंने BAYC की जो प्रोफाइल पिक्स हैं अपने प्रोफाइल पिक पे लगा रखी थी, जिन्होंने NFTs की पिक्चर्स जो थी वो लगा रखी थी। तो और उनको यहाँ पर ये बोला गया कि आप हमें 24 घंटे के लिए अपनी जो NFTs हैं उनको रेंट पर दे दीजिए, आपको 40 इथीरियम जो है वो मिल जाएंगे 24 घंटे के। लेकिन यहाँ पर लोग थोड़े सतर्क थे तो उन्होंने नहीं दिया है। इस अटैक से तो यहाँ पर बच गए लोग, लेकिन जो पहला अटैक था वेबसाइट यूआरएल वाला, उससे काफी लोगों ने अपना नुकसान जो है वो करवा लिया है। अगली न्यूज की बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर इसी न्यूज में ही रहे तो जो कंपनी है सैंडबॉक्स जो है, उन्होंने इस हैक को यहाँ पर अभी के लिए स्टॉप जो है वो कर लिया है। अपनी सारी जो हैकिंग हुई थी उससे वो उभर कर अब अपनी जो सारी उन्होंने इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर वापस से डाल दिया है। अगली न्यूज, यूएस ने यहाँ पर सीज किया है क्रिप्टो करेंसी, $30 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी उनसे, जो नॉर्थ कोरियन जो हैकर्स थे जिन्होंने यहाँ पर हैक किया था। तो अब ये हैकर जो हैं, इन्होंने जो भी अमाउंट यहाँ पर $30 मिलियन की जो थी, जो उन्होंने चोरी करी थी, तो चेन एनालिसिस जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पर मिलकर यूएस अथॉरिटीज के साथ मिलकर यहाँ पर ये जो $30 मिलियन है उनको सीज कर लिया है कोरियन हैकर से। तो कहा जा रहा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब नॉर्थ कोरियन जो हैकर्स हैं उनसे कोई भी अमाउंट क्रिप्टो की जो उन्होंने हैक करके ली हो वो सीज कर ली गई हो, उनसे फ्रीज कर ली गई हो, उनसे बचा ली गई हो। तो ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा, ऐसा चेन एनालिसिस के जो टीम है वो यहाँ पर कह रही है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर अब कितना यहाँ पर इस चीज को बचाकर रख पाते हैं लोग कोरियन हैकर से, नॉर्थ कोरियन हैकर से। अगली न्यूज, यहाँ पर एनीमोका ने कंफर्म किया है कि उनको $110 मिलियन का जो फंड है वो मिला है। नेक्स्ट राउंड उन्होंने यहाँ पर किया था अपना, और वो कह रहे हैं कि भाई इसमें सिंगापुर की जो गवर्नमेंट बैक इन्वेस्टर बड़ी कंपनी है तेमासेक, उसने यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली पैसा जो है उन्होंने भी यहाँ पर लगाया। अभी तक यहाँ पर तेमासेक जो है वो डायरेक्टली पैसा नहीं लगा रही थी क्रिप्टो स्पेस के अंदर, लेकिन अब यहाँ पर अनाउंसमेंट के चलते ये कहा जा रहा है कि तेमासेक जो है उसने डायरेक्ट एनीमोका के अंदर अपना पैसा जो है वो लगाया। तो अब एनीमोका यहाँ पर कह रही है कि वो ये पैसा नए एक्विजिशन भी करेगी, नए लाइसेंसेस भी लेगी, और नई डेवलपमेंट जो है उसमें भी ये सारा पैसा जो है उसको इन्वेस्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अगली न्यूज़ यहाँ पर कि कौन सी कंट्रीज हैं जो वर्स्ट हैं यहाँ पर क्रिप्टो टैक्सेशन, मतलब जहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिप्टो का जो टैक्स है वो लगता है, तो उसमें टॉप के ऊपर यहाँ पर चल रही है बेल्जियम। तो अगर हम अगले आर्टिकल में चलें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो टॉप पर बेल्जियम चल रही है,
बेल्जियम करीब 33 से 50% का टैक्स जो है वो क्रिप्टो गेन्स के ऊपर लगाता है। दूसरे नंबर पर है आइसलैंड, जहां पर करीब 7,000 से ऊपर अगर आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो बनता है तो आपको 40% तक का टैक्स यहाँ पर देना पड़ता है। इसराइल की बात करी जाए तो इसराइल भी 33 से 50% के बीच में आता है। नंबर 4 पर आता है यहाँ पर फिलीपीन, जहां पर करीब करीब अगर $4,500 आपका प्रॉफिट है तो आपको 35% जो टैक्स है वो कटवाना पड़ता है। और पांचवें पर आता है जापान, जहां पर भी 5 से लेकर 45% तक का जो टैक्स है वो रखा गया है डिफरेंट स्लैब्स के अंदर। और छठे पर आता है इंडिया। अगर यहाँ पर हम देखें कि इंडिया जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो इंडिया यहाँ पर 6 नंबर पर आता है, जो कि 30% यहाँ पर क्रिप्टो गेन जो टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स जो क्रिप्टो के ऊपर वो लगा रहे हैं। तो अब आने वाले टाइम पर देखना होगा, यहाँ पर नो डाउट जो 1% TDS है वो भी है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप टैक्सेशन फाइल करेंगे तो आपको वो वापस जो है वो मिल सकता है, आपका TDS जो भी कटा हुआ है। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो सोनी म्यूजिक जो है उन्होंने फाइल किए हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस NFT ऑथेंटिकेटेड म्यूजिक के लिए। तो यहाँ पर वो NFTs में अपनी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको भी लेकर आ रहे हैं, आर्ट वर्क को लेकर आ रहे हैं, ऑडियो को लेकर आ रहे हैं, और ये सारा उन चीजों का होगा जो भी कोई लाइव कॉन्सर्ट होगा, लाइव म्यूजिक होगा, उसका यहाँ पर NFTs जो है वो बनाया जाएगा और उनको यहाँ पर सेल के लिए जो है वो रखा जाएगा। अगली न्यूज यहाँ पर, सोरेयर जो एक कंपनी है यहाँ पर NFT गेमिंग की, तो उन्होंने पार्टनरशिप करी है NBA के साथ। तो अब NBA की जितनी भी टीम्स हैं उनकी हूबहू टीम जो है वो उनकी गेम NFT गेम जो वो बनाने जा रहे हैं उसमें उनको होगा। नो डाउट यहाँ पर टीम प्लेयर्स जो हैं वो प्लेयर्स के नेम भी यहाँ पर सिमिलर जो है वो रख सकते हैं। तो ये उन्होंने टाई अप जो है वो NBA के साथ यहाँ पर किया है। ऐसा ही टाई अप वो ऑलरेडी अमेरिका की जो मेजर लीग बेसबॉल है उसके साथ भी कर चुके हैं और यूरोपियन सॉकर लीग के साथ भी कर चुके हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि NBA की जल्दी से ही एक NFT गेम आने वाली है, जिसमें कि यहाँ पर सारे जो आपको जो NBA के बड़े बड़े स्टार हैं वो उस गेम में देखने को मिल सकते हैं। जो आज की लास्ट न्यूज यहाँ पर, नाइजीरिया में यहाँ पर क्रिप्टो अडॉप्शन जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, जिसके चलते जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नाइजीरिया में जल्दी ही एक क्लियर कट गाइडलाइन जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए आनी बहुत जरूरी है। अभी जो गाइडलाइंस वहां पर हैं वो इतनी क्लियर कट नहीं है, वो इतनी डिटेल्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन जितनी जल्दी यहाँ पर अडॉप्शन जो है वो हो रही है क्रिप्टो की नाइजीरिया के अंदर, तो उसके चलते उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक सही तरीके की जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो होने बहुत जरूरी हैं नाइजीरिया के अंदर, अगर यहाँ पर कंट्री को अपनी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको बनाए रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।